तरह देखते हो केंद्र सरकार का यह फैसला एक बार फिर तो विवादों के पा गया? देखो बहुत ही बेवकूफ जिहड़ा जिहड़ा कानून GST लगाया गया ना मंदिर गुरुद्वार से सारी उम्र धर्म के नाते सियासत करने वाली BJP सारी उम्र राम मंदिर लैके लोगों के वोट बटोरने वाली BJP और अज बिल्कुल अन्नी हो गई ताकत के अंदाजा नहीं लगा सकी कि साढ़े तो घट तो घट 99% लोग जो हिंदुस्तान के गरीब लोग है उन्होंने तो बेचारे बच्चों ने मंदिर गुरुद्वारे जाके रहना होंगे। शीतला मंदिर जो राम मंदिर से जाएंगे देखने जाएंगे सरावान में रहेंगे हरिद्वार जाके रहेंगे उन्होंने भी टैक्स देना पड़ेगा। इन्ना बड़ा बेवकूफ जो डिसीजन लिता BJP ने इन्होंने बड़ी जल्दी वापस लेना चाहिए नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि उन्होंने सिर्फ धर्म के नाते हिंदुस्तान से कब्जा किया और धार्मिक तौर पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते किसी तरह। गवर्नमेंट ने लिया मैं तो मोहम्मद तुगलक तो अलावा मैं कहूँगा मोदी जी तुम थोड़ी जी प्लानिंग वाली टीम है कि हर कॉमन मैन नू हिट करते रहते हैं तो जे चार वे घराने ने उन्होंने फायदा देने का सोचते रहते हैं सारा टाइम। बीते दिन केंद्र सरकार के वालों एक वड्डा फैसला लिता गया सी जिस दे विच जिहड़े गुरु घर ने उन्होंने सरावां दे उत्ते 12% टैक्स लगा दिता गया जिस दे विरोध दे विच अज आम आदमी पार्टी जिहड़ी है धरना प्रदर्शन दे रही है केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी जिहड़ी है वह की जा रही है। तो तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच आम आदमी पार्टी के कई कार्यकर्ता जिहड़े ने इत्थे भंडारी ब्रिज के उत्ते मौजूद ने तकियां हत्थ 'च फड़ियां होईयां ने BJP सरकार श्रद्धालुआं दे विरोधी इस तरीके दे जिहड़े स्लोगन ने लिखे हुए ने मोदी सरकार सिखां उत्ते जुल्म बंद करे। तो तुसीं देख सकते हो तस्वीरां दे विच कि किस तरीके दे नाल केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तो तुहानूं दस दईए कि जदों SGPC के मुलाजमान के नाल भी गलबात की गई सी तां उन्होंने दस्सिया सी कि पहलां जिहड़ी GST सी उह लंगरां दे उत्ते लगा दित्ती गई सी तां हुण जिहड़ा है गुरु घर दीआं सरावां दे उत्ते जिहड़ी है GST उह 12% लगा दित्ती गई है। तो जदों भी उन्होंने कहा कि जदों भी कोई बाहरों श्रद्धालु इत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे विच मत्था टेकण आउंदे ने तां बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुंदी उन्हां नूं यह कहना कि 12% तुसीं GST दोता। इस तरीके दी जिहड़ियां गल्लां मुलाजमां उन्हां दे वल्लों कीतियां गईआं SGPC दे जिहड़े मुलाजम ने उन्हां वल्लों कीतियां गईआं तां उन्होंने यह भी कहा कि उन्हां दे वल्लों काफ़ी निंदन योग गल है मोदी सरकार जिहड़ी है उन्हां दे लई यह निंदन योग गल है कि लगातार सिखां दे ही उत्ते जुल्म क्यों किया जाता है। तो तस्वीरां तुसीं देख सकते हो कि हुण आम आदमी पार्टी के वर्कर जिहड़े ने वह भंडारी ब्रिज के उत्ते धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के जिहड़े कार्यकर्ता वह मौजूद ने साडे नाल इस समय आम आदमी पार्टी तो सिटी साहब मौजूद ने गलबात कर लेने सर किस तरह देखते हो केंद्र सरकार का यह फैसला एक बार फिर तो विवादों के पा गया? देखो बहुत ही बेवकूफ जिहड़ा कानून GST लगाया गया ना मंदिर गुरुद्वार से सारी उम्र धर्म के नाते सियासत करने वाली BJP सारी उम्र राम मंदिर लैके लोगों के वोट बटोरने वाली BJP और अज बिल्कुल अन्नी हो गई ताकत के अंदाजा नहीं लगा सकी कि साढ़े तो घट तो घट 99% लोग जो हिंदुस्तान के गरीब लोग है उन्होंने तो बेचारे बच्चों ने मंदिर गुरुद्वारे जाके रहना होंगे और इस तरह लग रहा जिस तरह होटल इंडस्ट्री होटल के उत्ते जिन्ना मर्जी टैक्स लगा दें अमीर बंदा आता वो होटल बच्चों के नाल ठहरता है। जिहड़े दरबार साहब शीतला मंदिर जिहड़े राम मंदिर से जाएंगे देखने जाएंगे सरावान में रहेंगे हरिद्वार जाके रहेंगे उन्होंने भी टैक्स देना पड़ेगा। इन्ना बड़ा बेवकूफ जिहड़ा डिसीजन लिता BJP ने इन्हों बड़ी जल्दी वापस लेना चाहिए नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि उन्होंने सिर्फ धर्म के नाते हिंदुस्तान से कब्जा किया और धार्मिक तौर पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते किसी तरह। पार्टी तो कहती है जी असं जो धर्म के विरोधी नहीं हाँ असं धर्म के नाल देखो हमेशा धर्म की राजनीति करने वाली BJP अगर यहोजे कानून लियाएगी तो मैं समझा मोहम्मद तुगलक तो अलावा मोदी साहब न मोहम्मद तुगलक ना तुसी कंपेयर कर सकते हो। पहला एक गल कही गई सी कि GST जी पहला लंगर के उत्ते लगाई गई सी तो हूँ GST जी है सरावान के उत्ते लगा दी गई है पहला लंगर से तो हूँ सरावान से इस तो अगले स्टैप के बारे अजे आना बाकी है तो की समझते हो कि सिखा दे नाल ही इस तरीके का वर्तेवा? नहीं देखो असं कम्यूनल तौर पर तो नहीं सोचते मगर मंदिर होए गुरुद्वारा होए धार्मिक स्थान साढ़े हिंदुस्तान के गरीबी का पद्धर इन्ना नीवा है लोग इन्ने बेरोजगार ने लोगों को कमाई के साधन इन्ने घट ने एक गरीब बंदा साढ़े पिंड के पिंड ट्रालिया च श्री दरबार साहब आते मत्था टेकन पिंड का पिंड ही कट्ठा ट्राली के बह के आता है वो होटलों के नहीं ठहर सकते वो सरावान के कमरे के ठहरते हैं। इस तरह की बेवकूफी वाला जिहड़ा GST कानून जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट ने लिया मैं तो मोहम्मद तुगलक तो अलावा मैं कहूँगा मोदी जी तुम
ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा साड़ी पार्टी नूं नखेधी करते रहते कि असी दिल्ली के हिसाब से चलते हैं साड़ी नैशनल पार्टी असी दिल्ली के हिसाब से चलांगे मगर खुद देख लो जो किसान के कानून मनाए गए पंजाब दे विच किन्ने बीजेपी के लीडर से जिन्होंने प्रोटेस्ट किया कुछ गिनती दे 1% लोग सी जिन्होंने कहा कि यह कानून जो अंधे कानून बनाए हैं मोदी जी ने सारे मोदी जी के शाह के पिछे लगे हुए हैं सरकारों के पिछे नहीं लगना चाहिए मैं बीजेपी वाले लीडर्स वॉलंटियर भी बेनती करूँगा कि यह कॉमन कॉज है कॉमन इंटरस्ट के गरीबों के इंटरस्ट के ऐसे बेवकूफ वाले कानून ना लियाए जान नहीं तो आने वाले इलेक्शन के जनता तुम्हें दस देगी तुम पिछली बारी राम मंदिर के वोट लेंदे रहे 10 साल हूँ अगली बारी तुम जो मंदिर गुरुद्वारे सरावान से जरा टैक्स लगाया ना वो तो साबित हो गया धार्मिक तौर पर कोई इच्छा नहीं है तुम ताकत में आना चाहते सी ताकत में आ के अपने मुहम्मद तुगलक वाले रूल जो अपलाई करना चाहते हैं सन परमिंदर सिंह सेठी जेड़े कि आम आदमी पार्टी के वलंटियर ने तो तुम दस दिए कि पहला भी बीजेपी जी है उसके वालों काफ़ी कड़े कदम जोड़े से चुके गए थे तो एक बार फिर तो केंद्र सरकार के वालों 12% टैक्स लगा दिता एक बार तस्वीर थोड़े तो साझिया करा तुम देख सकते हो कि किस तरीके के नाल तख्तियां जड़िया ने फड़िया हुई ने सिख विरोधी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं सर एक होर वड्डा फैसला केंद्र सरकार वालों लै लिता गया पहला जिहड़ा सी लंगर के उत्ते GST लगाई गई सी हुण सरावां दे उत्ते लगा दी सब तो पहली गल तो यह जी जिहड़ा ना GST की जिहड़ी सारा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल आ सारा अनडेमोक्रेटिक आ क्योंकि स्टेट का अधिकार जिन्हें स्टेट 30 स्टेट्स ने उन्हां दा अधिकार 67% आ ते जिहड़ा सेंटर का अधिकार है 33% आ तो कोई भी फैसला लैण लई 75% मेजोरिटी होनी जरूरी आ जो कि स्टेट के कोल कदी हो ही नहीं सकती तो सेंटर तो बिना स्टेट कोई फैसला नहीं लै सकता भावें सारिया स्टेट्स एक पासे हो जाण तो सेंटर कल्ला तां फैसला लैंदा उन्हां दे नाल कुछ स्टेट्स ने इस करके वो अपनी मर्जी के फैसले अपने तुगलकी फरमान हमेशा ही चलते आते कभी दालों पर ला देंगे ने कभी पनीर दुध से GST ला देंगे ने हर चीज़ से वो कॉमन मैन नू इहदे च असी किसी एक धर्म के नाल नहीं जोड़ांगे हर कॉमन मैन नू हिट करते रहेंगे ने ते जिहड़े चारक वड्डे घराने ने उन्हां नू फायदा देने का सोचते रहेंगे ने सारा टाइम इस चीज़ का विरोध तो भगवंत मान जी ने भी किया ट्वीट करके जी बिल्कुल भगवंत मान जी ने ट्वीट करके किया है साढ़े हाई कमांड तो साढ़े नेता जी ने अरविंद केजरीवाल साहब ने और उस ही असी अज सारे जिन्हें वर्कर ने जिन्हें कॉमन आम घर के लोग असी सारी इसलिए इन्हों का विरोध करना अच्छी एकत्र हुए हैं जी GPC के मुलाजम वालों कहा गया है कि BJP के एक कार्यकर्ता जिसके वालों माफ़ी भी मंगी गई है तो यह भी कहा गया है कि केंद्र इस पर जल्दी फैसला लै सकती है हो सकता कि शायद ना भी लगे नहीं वो तो फिर यूटर्न हो गया ना एक बार तो हिट करता सानू एक बार तो हिट किया भी असं ये करते हैं इनू असी एक धर्म ना जोड़िए हरिमंदर साहब मेरे ख्याल इतने मेरे हिंदू वीर भी खड़े होंगे मुसलमान वीर भी खड़े होंगे सारे हरिमंदर साहब जाते हैं सारे दरबार साहब जाते हैं सारे उन्होंने सरावान रेंगे ने इतने कोई एक धर्म का उत्तर पुछ के नहीं रखते भी हाँ तू सिखा तो तू ही रह सकता ज तू हिंदू हाँ तू ही रह सकता सारे रेंगे ने इनू SGPC या किसी इनू इंसानियत नाल जोड़ के भी उन्हों की सोच कितने आ सोच वेख सकते हैं भी लंगर से GST तो हूँ सरावान से GST लाती है जेकर नहीं वापसी लेंगे ये फैसला तो फिर की अगला स्टेप अगला स्टेप जो साड़ी हाई कमांड करूगी असं उस हिसाब से लवेंगे और मेरे ख्याल नाल हाई कमांड पूरे वड्डे लैवल से इस चुकेगी जिवें कि संसद के साडे सांसद राज्यसभा राघव चड्ढा जी ने भी इस मुद्दे को चुकया तो जिदा जिदा सानू हाई कमांड का हुक्म होगा असं करांगे बिल्कुल इस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्हां दे वल्लों यह कहा गया है कि जेकर फैसला नहीं हुंदा तो आने वाले समय के जो भी पार्टी फैसला लेगी वो मंजूर होएगा लेकिन केंद्र सरकार के वल्लों एक वड्डा जिहड़ा फैसला एक बार फिर तो लिता गया जिसके विरोध के अज आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है और नाल केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है वीडियो जर्नलिस्ट शिवराज के नाल विशाल शर्मा लाइव भारत अमृतसर